दोस्तों आज हम जानेंगे व्रत या उपवास के प्रकार, क्योंकि उपवास के अनेकों तरीके होते हैं, अनेकों प्रकार के उपवास होते हैं। आज जानते हैं कि कौन कौन से उपवास होते हैं और उसमें क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आता है प्रातः उपवास। इस उपवास में क्या होता है कि सुबह का जो नाश्ता होता है उसे नहीं लिया जाता है, दिन में एक टाइम नाश्ता खाना जो भी हो लिया जाता है, इसे कहते हैं प्रातः उपवास। दोस्तों इसके बाद आता है अधोपवास। अधोपवास में क्या होता है कि एक टाइम खाना खा लिया जाता है और उसके बाद से कुछ नहीं खाया जाता। इसके बाद आता है एकाहारोपवास। एकाहारोपवास में क्या होता है कि अगर आपने सुबह में कुछ खाया, जैसे रोटी खा लिया सुबह में, तो शाम को आपको सिर्फ सब्जी खाने हैं और रात में कुछ भी नहीं खाने हैं, इसे कहते हैं एकाहार उपवास। इसी तरह से उपवास में आता है रसोपवास। रसोपवास में क्या होता है कि उस दिन आपको किसी प्रकार की अन्न नहीं खाया जाता है। आप सब्जियों का रस ले सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं, यानी कि रस पे रहना है। उसके बाद आ जाता है फलोपवास। फलोपवास में क्या होता है कि आपको फल खाना होता है, फल खाकर पूरे दिन रहना होता है। जितने दिन का व्रत रखते हैं, जैसा व्रत रखते हैं उस तरह से आपको फल ही खाना है। दोस्तों इसके बाद एक आता उपवास जिसे दुग्धोपवास कहा जाता है। इस व्रत में आप सिर्फ दूध ले सकते हैं, चाहे एक दिन का व्रत हो, दो दिन का व्रत हो, चार दिन का व्रत हो, आपको सिर्फ और सिर्फ दूध लेना है। ऐसे उपवास को दुग्ध उपवास कहा जाता है। अब आते हैं हम अगला उपवास जिसे तक्रोपवास कहा जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, तक्रोपवास को मट्ठा कल्प भी कहा जाता है। इस उपवास में जो दही का मट्ठा बनता है उसे लिया जाता है और उसे लेकर ही व्रत रखा जाता है। इसमें किसी प्रकार का अन्न इत्यादि नहीं लिया जाता है। फिर आती है बारी पूर्ण उपवास की। पूर्ण उपवास जो कि बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति हो उसके लिए बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि पूर्ण उपवास में ध्यान रखना पड़ता है क्या खाना है, कैसे खाना है, और पूरी तरह से उपवास रखना पड़ता है। शुरुआत समय में हमें क्या खाना है सोच के खाना है और खोलने समय क्या खाना है। अगर ये उपवास कोई अधिक बीमार व्यक्ति रखता है उसे बहुत फायदा होता है और वो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों अब बारी आती है साप्ताहिक उपवास की। साप्ताहिक उपवास ऐसा होता है जो सप्ताह में एक बार किया जाता है, उसे साप्ताहिक उपवास कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे लघु उपवास की। लघु उपवास भी एक प्रकार का उपवास होता है जिसमें कोई व्यक्ति दो दिन, तीन दिन, एक सप्ताह तक उपवास रखता है, ऐसे उपवास को लघु उपवास कहा जाता है। अब आती है बारी दीर्घ उपवास की। दोस्तों दीर्घ उपवास एक लंबे समय तक रखा जाना वाला उपवास होता है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति 21 दिन से लेकर 50-60 दिन तक उपवास रखता है, ऐसे उपवास को दीर्घ उपवास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फिर आता है कठोर उपवास। कठोर उपवास पूर्ण उपवास की तरह होता है। ये इतना कठोर होता है कि कई दिन तक बिना अन्न के रहा जाता है। मेडिकल वाले जब इस उपवास को कराते हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इस व्यक्ति को कब कितने घंटे पे क्या देना है, और उसे बीमारी के हिसाब से उसे खाना पीना दिया जाता है, जो कि बड़ा ही कठोर होता है। दोस्तों अब आती है बारी टूटे उपवास की। टूटे उपवास भी एक प्रकार का उपवास है और उपवास का ही प्रकार है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति दो तीन दिन व्रत रखा, फिर दो तीन दिन छोड़ दिया, या सप्ताह दो सप्ताह व्रत रखा छोड़ दिया फिर शुरू कर सकता है, ऐसे उपवास को टूटे उपवास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों
एक प्रकार और होता है जिसे निर्जला व्रत कहा जाता है, निर्जला उपवास कहा जाता है। निर्जला उपवास में जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वो पानी नहीं पीता है, जल का प्रयोग नहीं करता है, उपवास तोड़ने के बाद ही वो जल ग्रहण करता है। तो दोस्तों इस तरह से उपवास के अनेकों प्रकार होते हैं और सभी उपवास के करने का तरीका भी अपना अलग अलग होता है, लेकिन इसका नियम एक ही होता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम नए नुस्खे के संग, नए वीडियो के संग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।